हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स में यूनिट 11 लाइंस एंड लाइंस वर्कबुक पार्ट 1। तो आपको मेरे साथ वर्कबुक लेके बैठना है। तो स्टूडेंट्स, इधर सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए लाइंस दी गई है। तो देखो, ए स्टैंडिंग लाइन है, ए स्लीपिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है और ये कर्वर्ड लाइन है। तो फोर प्रकार की डिफरेंट ये लाइन्स है। अब आगे देखो, एग्जाम्पल दिया है, टू एज डायरेक्टेड ड्रॉ विथ हैंड्स। इधर अपने हैंड से लाइन से ड्रॉ किए तीन लाइन्स, देखी। हाँ, अब आगे ड्रॉ विथ ए स्केल। तो हमें स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो, ये स्केल है, 1 2 3, ऐसी 3 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 स्लीपिंग लाइन है, हाँ। अब स्लैंटिंग लाइन, 1 2 3, ऐसे। तो इस तरह 1 2 3, ऐसे। तो स्केल का यूज करके हमने ये लाइन ने ड्रॉ की। अब ड्रॉ विथ द एज ऑफ ए कंपास बॉक्स। तो अब कंपास बॉक्स से हमें ये लाइन ने ड्रॉ करनी है। तो ये कंपास बॉक्स है, तो कंपास बॉक्स से देखो, पहले स्टैंडिंग लाइन 1 2 3, अब स्लीपिंग लाइन 1 2 3, हो गए। अब स्लैंटिंग लाइन 1 2 3। तो ऐसे आपको भी लाइनें ड्रॉ करनी है। अब नोटबुक, तो नोटबुक का यूज करना है। ये नोटबुक है, तो नोटबुक से 1 2 3, हो गए स्टैंडिंग लाइन। अब स्लीपिंग लाइन 1 2 3, 3। अब स्लैंटिंग लाइन 1 2 3, ते हो गए लाइन्स। अब ड्रॉ द कर्व्स। तो इधर ये डॉट है, वो हमें ज्वाइन करके कर्वर्ड लाइन बनानी है इधर। तो देखो, तो कोई भी ऐसे ऐसे ज्वाइन करके हम लाइन बना सकते हैं। तो आपको बच्चे बनानी है। अब आगे ड्रॉ द कर्व्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास। तो ग्लास के हेल्प के द्वारा इधर हमें लाइन बनानी है। तो ये ग्लास है, तो देखो ग्लास से हम लाइन बनाती है ऐसे ऐसे, हो गई। अब हेल्प ऑफ ए बाउल, तो बाउल से हम लाइन बनानी है। इधर आती नहीं है, लेकिन देखो सिर्फ आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे, देखो ऐसे बाउल के द्वारा विथ द हेल्प ऑफ ए बेंगल। तो बेंगल से ऐसे ऐसे, हो गई। तो ऐसे आपको लाइनें डिफरेंट प्रकार की बनानी है। ड्रॉ द
कर्व्स। तो इधर देखो ये लाइन दी है, तो थ्री ऐसे आपको ऐसे ऐसे बनानी है। देखो टू थ्री, तो ये बच्चों आपको खुद ऐसे इधर ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ द पिक्चर्स यूजिंग कर्वस। तो ड्रॉ थ्री टाइम्स, ये पिक्चर दिए देखो फेस के अलग अलग, वो इधर थ्री टाइम आपको ड्रॉ करने है। तो चलो मैं वन दिखा दूँ आपको, वन टू और थ्री। तो आपको इस तरह बच्चों सब फेस के पिक्चर देखो ऐसे इधर ड्रॉ करने हैं। अब इधर इधर देखो, ड्रॉ द डांसिंग पिक्चर, इधर डांसिंग पिक्चर दिए हैं, तो वो देख के यूजिंग लाइन्स एंड कलर, तो वो देख के हमें इधर ड्रॉ करना है, ऐसा ही सेम पिक्चर इधर ड्रॉ करना है। तो मैं वन ड्रॉ करती हूँ, बाद में आपको ड्रॉ करना है। इस डांसिंग पिक्चर से हमें लाइंस की बारे में लिखा है। देखो ये स्टैंडिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, और ये स्लीपिंग लाइन है, ऐसे देखा। अब ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, तो इस पर से ये डांसिंग पिक्चर हो गए। तो आगे का आपको ये खुद ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ द पिक्चर्स यूजिंग लाइन्स एंड कलर्स। तो इधर भी लाइन्स का और कलर्स जो वर्णांक होते हैं उसका यूज करके ये पिक्चर हमें बनाना है। तो इधर ग्लास है, बाउल है, एक घड़ी है, और ये भी एक ग्लास है, तो इसका पिक्चर इधर बनाना है। तो देखो मैं ग्लास का बनाती हूँ। तो आपको इधर ऐसे पिक्चर बना, इधर भी ऐसा ही पिक्चर देखो, सब देख के नीचे उसकी जगह है उधर आपको ड्रॉ करना है। मेक द नंबर एंड लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट यूजिंग लाइन्स। तो इधर नंबर्स और अल्फाबेट लिखने के लिए लाइन का यूज किया है। तो इधर देख के आपको इधर लिखना है। देखो ये टू ऐसे, थ्री, तो ऐसे लाइन्स का यूज करके हमें नंबर्स लिखने, ये आपको देख के इधर लिख देना है। अब ये अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में भी देखो ए बी ऐसे आपको लिखना है। तो पूरा पूरे लेटर्स ये लिख देने, पूरे अल्फाबेट्स हमें लिख देने हैं। ड्रॉ द पिक्चर्स यूजिंग लाइन्स एंड कर्वस एंड कलर इट। तो इधर लाइन्स का यूज करके ये पिक्चर दिए हैं, वो हमें इधर ड्रॉ करने हैं। देखो ऐसे से ऐसे एक काइट का पिक्चर दिखाई देता है, देखा ऐसे। तो हमें ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके उसमें कलर फिल करने हैं। देखो ए फिश का है, एक काइट का है, देखा ये ऐसा ही कुछ पिक्चर है। देखो फ्लावर के ऐसा, तो आपको इधर ये पिक्चर ड्रॉ करके इसमें कलर फिल कर। ट्रेस द स्टैंडिंग लाइन्स इन ग्रीन। तो इधर देखो जो स्टैंडिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन वो ग्रीन कलर से, एंड स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन है इधर, तो स्लीपिंग लाइन है वो रेड कलर से, और स्लैंटिंग लाइन है वो ब्लू कलर से, एंड
कर्वर्ड लाइन से वो येलो कलर से इधर ड्रॉ करना है, ऐसे ये पिक्चर ड्रॉ करना है। अब इसमें भी वैसा ही है, स्टैंडिंग लाइन से उसमें ग्रीन, स्लीपिंग लाइन में रेड, स्लैंटिंग लाइन में ब्लू और कर्वर्ड लाइन में येलो कलर से ये फिल करना है।